हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उपेंद्र कुशवाहा बोले, अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर बहेगा खून, जिम्मेदार मोदी नीतीश होंगे। चुनावी नतीजे आने में भले ही अब सिर्फ दो दिन से भी कम वक्त बाकी रह गया हो, मगर लगातार आ रही ईवीएम की खबरों पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, मगर उपेंद्र कुशवाहा एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए जनता से शांति रखने की अपील की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पहले बूथ लूट और अब रिजल्ट लूट की तैयारी चल रही है। अगर रिजल्ट लूट की घटना हुई तो महागठबंधन के नेताओं से आग्रह है कि हथियार भी उठाना हो तो उठा ले। उन्होंने पटना महागठबंधन की प्रेस वार्ता में उपेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता का आक्रोश बहुत खतरनाक है, सड़क पर खून तक बह सकता है। इसके लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश जिम्मेदार होंगे। जिला प्रशासन रहे सतर्क, धैर्य और संयम बरतने की अपील हम लोगों से करेंगे। एग्जिट पोल प्लॉट है। बता दें कि बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे कुछ खास नहीं दिखा पा रहे हैं। लगभग सभी सर्वे में बिहार के महागठबंधन को या एक सीट मिल रही है या तो एक भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम अदला बदली को लेकर भी सवाल अब उठने लगे हैं। ईवीएम को गर्मी लग रही है, स्ट्रॉन्ग रूम में दम घुट रहा है, इसलिए बाहर घूमने निकली है। सबसे पहले ये समझिए कि ईवीएम इंसान है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जाहिर है ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये सवाल इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आजकल ईवीएम को गर्मी लग जाती है। ये बात हम नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम से धांधली करने और कथित सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने पर ऐसे बहाने बनाने लगते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूरे देश से ईवीएम से छेड़छाड़ करने की वीडियो और खबरें वायरल हो रही है। यूपी के झांसी, मेरठ, चंदौली, गाजीपुर और बिहार के सारण, महाराजगंज से ईवीएम में धांधली करने का मामला सामने आ रहा है। फर्जी तरीके से बिना सुरक्षा के ट्रंकों में ईवीएम मशीन लाद कर स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाई जा रही है। आरोप है कि ये वायरल हो रही वीडियो में देखा भी जा रहा है कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारी मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल और भी गहरा होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब 19 मई को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान खत्म हुए तो नियम के मुताबिक सभी ईवीएम मशीनों पर मुहर लगाकर सुरक्षा घेरे में लेते हुए उसे स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाए। लेकिन यहां मामला उल्टा ही है। चुनाव खत्म हो गया, ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच भी चुकी है, तो फिर ये ईवीएम मशीनें कहां से निकल रही है जो झांसी, मेरठ, चंदौली, गाजीपुर और बिहार के सारण से लेकर महाराजगंज में ट्रंकों में घूम रही है? क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का स्ट्रॉन्ग रूम में दम घुट सकता है? क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को धूप में गर्मी लग सकती है? क्या ईवीएम को गर्मी लग रही है इसीलिए वो ट्रंकों में बाहर घूमने के लिए निकली है? चुनाव आयोग और मोदी सरकार भले ही शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में गाड़ कर अनजान बनने की ढोंग करे, लेकिन इस देश की जनता समझदार है, वो सब कुछ देख और समझ रही है। ईसी चीफ सुनील अरोड़ा मोदी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। विपक्ष को लेकर ऐसी जाए राहुल गांधी। देश भर में हो रही ईवीएम में धांधली और उसे बदलने के सबूत के साथ वीडियो और खबरें आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया और बीजेपी से विपक्ष में हंडकंप मचा हुआ बता रहे हैं। गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन द्वारा ईवीएम को बदलने की कोशिश के बाद गठबंधन प्रत्याशी अफजल अंसारी धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। गाजीपुर में आरोप है कि जगह जगह स्ट्रॉन्ग रूम में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशासन की मदद से नई ईवीएम मशीनें ला रहे हैं, जिससे कि 23 मई को आने वाले परिणामों में धांधली की जा सके।
वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने ट्विटर पर इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को भाजपा नेता नरेंद्र मोदी का एजेंट बताया है। स्वाति ने ट्वीट में विपक्ष और राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है। उन्होंने लिखा है कि सुनील अरोड़ा मोदी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पूरे देश में क्यों ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम से बाहर आ रही है। वही चंदौली में दो ट्रक ईवीएम मशीनें बिना सुरक्षा के स्ट्रांग रूम के बाहर पकड़े जाने के बाद अब मिर्जापुर में कांग्रेस प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त 300 ईवीएम मशीनें रखने की बात कही है, जबकि उन्होंने ईवीएम बदलने की भी बात कही है। बता दें कि बिहार के सारण और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ धांधली करने का मामला सामने आया है। साथ ही यूपी के झांसी, मेरठ, चंदौली, गाजीपुर से ईवीएम में धांधली करने का मामला सामने आ रहा है। इन घटनाओं को देखने के बाद पूरी संभावना है कि ईवीएम से पूरी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को फिर से एक बार बहुमत मिले। शायद एग्जिट पोल इसका उदाहरण है। यूपी बिहार के बाद एमपी में अधिकारी के घर में मिली ईवीएम। क्या ऐसे घोटाले से 300 सीटें जीतेगी बीजेपी? ईवीएम खेल अब यूपी बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। ताजा मामला गुना का है, जहां एक घर में ईवीएम मशीन रखी हुई मिली है। आरईएस में उप यंत्री एके श्रीवास्तव ने रिजर्व बैंक ईवीएम मशीन को घर पर लाकर रख लिया था, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया। ईवीएम को गुना की एसडीएम शिवानी रायकवार ने जब्त कर लिया है और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरतने वाले उप यंत्री एके श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ ईवीएम मशीनों को सौंपा गया था, लेकिन इलेक्शन प्रक्रिया में लापरवाही के चलते उन पर ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब हो कि बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई से ये बात सामने आई है कि 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब है। ये ईवीएम कहाँ है, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। जो भी हो, विपक्ष के आरोप में दम दिखाई देता है कि ईवीएम को लेकर परिणामों में जरूर कोई बड़ा खेल हो सकता है। बता दें कि इससे पहले बिहार के सारण और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ धांधली करने का मामला सामने आ चुका है। प्रशांत भूषण का बड़ा खुलासा, बोले अब ईवीएम सेटिंग से नहीं ईवीएम बदल कर खेल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने से पहले राजनीतिक गलियारे में ईवीएम और वीवीपैट पर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्ट्रॉन्ग रूम्स के आसपास ईवीएम की बरामदगी ट्रंकों, निजी वाहनों और होटल में मिले ईवीएम पर विपक्ष पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टी नेता का कहना है कि देश के कई हिस्सों में स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम स्थानांतरित किए जाने की शिकायतों पर चुनाव आयोग को तत्काल प्रभावी कदम उठाना चाहिए। वही इस ईवीएम को फेरबदल में देश के जाने माने वकील और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने चिंता जाहिर की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि डर ईवीएम की हैकिंग को लेकर नहीं बल्कि उसके बदले जाने को लेकर है। उन्होंने ट्वीट कर ईवीएम बदले जाने को लेकर कहा, तथा कथित रिजर्व ईवीएम को लेकर जो असामान्य तरीके अपनाए जा रहे हैं वो पक्षपातपूर्ण है और उसकी सुरक्षा को लेकर समझौता किया जा रहा है। जिस ईवीएम का चुनाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके बदले जाने का डर है। इसी क्रम में आज 22 विपक्षी दलों के साथ चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर चंदौली में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई दलों ने सवाल उठाए हैं। गाजीपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया था और इसको लेकर धरने पर बैठ गए थे। एग्जिट पोल आने के बाद ये असामान्य बात नहीं है कि अनेक जगहों से ईवीएम हटाने और लाने की घटनाएं हो रही है। ऐसी अलग अलग इलाकों से लोग ऐसी घटनाओं के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आखिर जहां मशीनें रखी गई है वहां और मशीनें लाने या ला जाने की जरूरत क्या है?
इस पर चुनाव आयोग अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।